खेल संग्राम में आपका स्वागत है। एशिया कप T20 के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने UAE को 14 रन से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम को दिनेश चंडीमल और तिलकर तंदिशान ने शानदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.1 ओवर में 68 रन जोड़े। दिलशान 28 गेंदों में 4 चौकों के साथ 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस बीच चंडीमल ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की पारी खेली। चंडीमल ने 39 गेंद खेले और 7 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद श्रीवर्धन ने 6, दासुन शंका 5 और एंजेला मैथ्यूज 8 रन पर आउट होते चले गए। सेहान जयसूर्या और चमारा कपूगे 10-10 रन पर आउट हुए और इस तरह श्रीलंकाई टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 129 रन बनाए। रोई के गेंदबाज अमजद जावेद ने 25 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं मोहम्मद नावेद और मोहम्मद शहजाद ने 2-2 विकेट हासिल किए। 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी UAE की टीम की शुरुआत काफी खराब रही। पहली गेंद पर मलिंगा ने ओपनर रोहन मुस्तफा को बोल्ड किया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मलिंगा ने मोहम्मद शहजाद को 1 रन पर बोल्ड किया और इस तरह 38 के स्कोर तक UAE के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि लगातार गिर रहे विकेटों के बीच UAE के स्वप्निल पाटिल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों का सामना किया और 36 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों के साथ 37 रन की पारी खेली, लेकिन मलिंगा ने 37 के स्कोर पर पाटिल को आउट कर UAE को 7वां झटका दिया। इसके बाद कुलशेखरा ने अमजद जावेद को 13 रन पर कैच आउट कराया और 10 रन पर खेल रहे नवीद को मलिंगा ने अपना शिकार बनाया और इस तरह UAE की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर 115 रन ही बना सकी। श्रीलंका के तेज गेंदबाज मलिंगा ने 4 और कुलशेखरा ने 3-3 विकेट झटके। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।